अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद कर लें। डिविडेंड जब लिस्टेड कंपनी देगी वो कभी भी चेक नहीं दिया करेगी, बल्कि पहले पहले ये होता था चेक दिया करती थी। अब क्या होगा कि शेयर होल्डर का अकाउंट नंबर होगा उनके पास, कंपनी के पास, तो CEO क्या करेगा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है ना, बस समझ में आ गई या नहीं आ गई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पॉइंट नंबर टू, बोर्ड ऑफ पावर, बोर्ड की पावर जो बढ़ा दी है इस कंपनी में लॉ में। अस्सलाम वालेकुम, पढ़ते हैं। देखिए बोर्ड पहले सब्सटेंशियल टेक ओवर जब करता था किसी कंपनी का तो मेंबर से पूछते थे, ठीक है ना। अब ये है कि सिवाय एसोसिएटेड कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेंबर से पूछेंगे, वरना कोई भी किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बड़ा शेयर 90% किसी कंपनी के, मिसाल अभी मैं, हम लोग यूनिलीवर के डायरेक्टर हैं और हम PNG के शेयर ख़रीदते हैं, 90% तो हम ख़रीद सकते हैं, मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बोर्ड हैं। और अगर एसोसिएटेड कंपनी में ख़रीदेंगे तो मेंबर की परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ, अमलगमेशन के लिए एक अच्छा कानून बना दिया, वो ये है कि अगर कोई एक कंपनी है उसकी 100% एक सब्सिडरी कि उसने शेयर ख़रीद लिए हैं तो अगर वो अपनी साथ एमलगेमेट करती है तो SSCP के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक होल्डिंग कंपनी है उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, 100% सब में वो 100% ओनर है, तो उसमें भी विदाउट अप्रूवल वो सारी सब्सिडरीज को अपने साथ एमलगेमेट कर लेगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।